नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जैन साथियों, इस नए वीडियो में ये पेंशन के फार्मूले के ऊपर चेंजमेंट होने वाला है और किस प्रकार से होगा, कब तक हो जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बार फिर पेंशनधारियों को जोर का झटका धीरे से लगेगा। वो फार्मूला इस प्रकार है, नई दिल्ली में इसके ऊपर बहस चल रही, पेंशन गणना का फार्मूला बदलने की तैयारी, यदि नया फार्मूला लागू हुआ तो कम हो जाएगी पेंशन राशि। यहीं पे नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EFO मासिक पेंशन निर्धारित के मौजूदा फार्मूला में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने का एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। अभी पेंशन योग्य सैलरी का कैलकुलेशन अंतिम 60 महीने के औसत सैलरी के आधार पर किया जाता है, जिसके पहले पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है तो घट जाएगी पेंशन राशि। EFO अगर पेंशन के फार्मूले में बदलाव करता है तो इससे निश्चित रूप से हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले समेत सभी सब्सक्राइबर की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फार्मूलों के मुकाबले कम होगा, क्योंकि नौकरी के शुरुआती दिनों में सैलरी, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कम होता है, इससे पेंशन राशि घट जाएगी। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि EFO में बदलाव होने के साथ साथ पेंशन पॉलिसी में बदलाव अगर हो जाते हैं तो पेंशन पॉलिसी जितने भी डिफेंस के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हैं, सबके ऊपर इफेक्टेड पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जिस समय में जिस प्रकार से बदलाव के नियम और बदलाव के जो अंग्रेजी व्यवस्था और अंग्रेजी कैलकुलेशन का बदलाव का माहौल जारी है, उसी प्रकार से इसमें भी बदलाव हो सकते हैं। और यहाँ पे दिया है कि अंतिम 60 महीने की औसत सैलरी के आधार पर बदलाव होता रहा है अभी तक। तो यहाँ पे MP MLA जो 5 साल के रहते हैं उनका 60 महीने ही होता है, उनका तो बदलाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं पे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं किसी विभाग के, उनके बदलाव में अवश्य फर्क पड़ जाएगा। जो 30 साल 35 साल सर्विस, 20 साल 25 साल 30 साल और 35 साल सर्विस करके आते हैं, कोई भी एम्प्लॉई अगर सर्विस के अंदर आता है तो 20 साल के बाद वो आता है और 20 साल से लगभग 60 साल तक वो सर्विस करता है, इस प्रकार से वो सर्विस के एरिया उसके अंदर 40 साल का हो जाता है। वहीं पे एम्प्लॉई अगर सेना के अंदर से लेते हैं तो यहाँ पे 20 साल से मान लीजिए अगर एम्प्लॉई होता है तो वो 25 या 30 साल तक सर्विस करता है, उसके बाद वो एज 50 ईयर्स के एज तक लगभग 25 साल सर्विस करने के बाद वो रिटायर हो जाता है, जिससे उसकी सर्विस एरिया कम रहती है और उसकी पेंशन भी कम पड़ती है। वहीं पे सेना के अधिकारी जो होंगे, ऑफिसर रैंक होंगे वो 20 साल से 60 साल तक सर्विस करेंगे, इनके पेंशन के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि जवानों की पेंशन के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, कि इनका हायर पेंशन होता है और इनकी पेंशन में तब्दीली उतना नहीं होगी जितना कि जवानों के पेंशन में होगी, क्योंकि जवानों की सर्विस कम रहती है, इनका एवरेज भी कम होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में कम सैलरी मिलती है और आते आते लास्ट में अलाउंस और पे भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण लास्ट पे ड्रॉ के हिसाब से पेंशन आते हैं। यहीं पे दोस्तों सबका एवरेज निकल आ जाएगा, क्योंकि लास्ट के ईयर्स में सर्विस पे अधिक हो जाती है और शुरुआती में कम रहता है, अगर सबका एवरेज निकाला जाएगा तो इस प्रकार से पेंशन की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार अफसर रैंक में लास्ट के दिनों में इनकी भी पे अधिक होती है, लेकिन इनकी सर्विस अधिक होती है, जिसके कारण इनका एवरेज पर उतना अंतर नहीं पड़ेगा, कम अंतर पड़ेगा, क्योंकि पीछे हायर पेंशन इनका कवर कर लेगा, एवरेज को मेंटेन कर लेगा। सिविल एम्प्लॉई जो हैं उनका भी हायर, पीछे से हायर पेंशन इनका एवरेज को मेंटेन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो इन जवानों को होगा जो कम सर्विस में 17-18 से लगभग 30-32 के साल सर्विस के बीच में ही ये रिटायर आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इन
जवानों के ऊपर पड़ेगा और इन जवानों का इफेक्ट, और वही दोस्तों यही जोर का झटका धीरे से लगने वाला है और आपकी पॉकेट ढीली होने वाली है और आपका पेंशन ढीला होने वाला है। इसको एक तरफ से उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। अगर हम यहीं पे दोस्तों, अगर सिविल एम्प्लाई हो जाता है, सिविल एम्प्लाई होता है अगर 20 साल के सर्विस में, अगर सर्विस 20 साल के एज में वो सर्विस करता है और 60 साल के एज तक वो सर्विस करता है, तो इस प्रकार 40 इयर्स वो सर्विस कर लेता है और उसके बाद हर साल की उसकी पे मिलाकर एवरेज निकाली जाएगी पूरे सर्विस की, और इसे 40 × 12 करके पूरे मंथ निकाले जाएंगे और इसे एवरेज पे उसकी निकाली जाएगी, एवरेज पे निकाली जाएगी और एवरेज पे के आधा करने के बाद उसकी पेंशन हो जाएगी, एवरेज पे के बाद उसकी पेंशन हो जाएगी। और जो पेंशन होगी वो कितना होगी, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ जाएगा। वहीं पे अगर अफसर का भी निकाला जाए तो ये भी 20 साल से 60 साल तक करते हैं और उसके बाद 40 साल तक, लगभग ये 40 साल के आसपास तक ये सर्विस करते हैं। इसी प्रकार इनका भी अगर 40 से 12 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इस प्रकार से एवरेज इनका भी पे उसी प्रकार से निकाल लिया जाएगा जिस प्रकार से सिविल एम्प्लॉय का 60 साल पे हो जाता है, और यहीं पे इनका भी पे, इनका भी एवरेज पे में उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे दोस्तों, अगर यहाँ पे जवान अगर पेंशन में अगर इस प्रकार का बदलाव हो जाता है तो जवान के पे में ये 20 साल में सर्विस होकर 40 से 50 के बीच में रिटायर हो जाते हैं एज तक, इस प्रकार ये 20 से 30 साल तक एज तक ही सर्विस कर पाएंगे और यहाँ पे इनके एवरेज पे में बहुत, इनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी जो एवरेज पे, क्योंकि यहाँ पे 30 साल तक ही लिया जाएगा, इनका 40 साल तक है, क्योंकि लास्ट के 10 साल में हायर पेंशन हो जाने के कारण एवरेज में बढ़ोतरी हो जाएगी, और वहीं पे 30 साल में हायर पेंशन न होने के कारण एवरेज में बहुत ज़्यादा की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जवानों के एवरेज पे जो होगा वो बहुत ज़्यादा नुकसान के बराबर होगा अगर ये नियम लागू हो जाता है तो। इस प्रकार से जवानों को सबसे ज़्यादा लॉस जवानों को होगा और इस प्रकार से डिफेंस की बजट मेंटेन करने की योजना कामयाब हो जाएगी और जवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम इंतजार कर रहे हैं MSP बढ़ाने की, वहीं पे पेंशन बढ़ाने की, और इस प्रकार के नियम आने के बाद जहां पे पेंशन हमें बढ़ानी है वहीं पे हमारी पेंशन में कटौती हो जाएगी। इस तरह आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जानकारियों से अपडेटेड रहें। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और रहते रहते साथ कुछ न कुछ अपने कामयाबी के शिखर पे चलने की कोशिश करें और कामयाब होते रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।